आए हैं आप इस नतीजों से कितना सहमत हैं? एग्जिट पोल वास्तविक नहीं लगते हैं, क्योंकि जिस तरह से देश का माहौल था और पूरा देश बेरोजगारी महंगाई से पीड़ित था, और मैं नहीं समझता कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करे, ये नतीजे सही नहीं साबित होंगे। क्या माना जाए जो नतीजे एग्जिट पोल ने जारी किए हैं उसी प्रकार के नतीजे 4 जून को घोषित होंगे? नहीं 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 नहीं, आप देखिए कि सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, जिस तरह से माननीय खड़गे साहब ने, माननीय राहुल जी ने कहा कि हम 295 से ऊपर सीट इंडिया गठबंधन निकाल रहा है, सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। आपके कार्यकर्ताओं की मेहनत को लेकर के क्या बोलना चाहेंगे? आपने नीमच जिले की बात करूं मैं, मेरे जीवन में 46 साल हो गए मुझे राजनीति में, मैंने पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ता में कोई विरोधाभास नहीं देखा, सब ने मिल के काम करा और एक बाल बराबर भी व्यक्ति ने विरोध नहीं करा, और कांग्रेस ने बहुत मिलकर चुनाव लड़ा, और मैं समझता हूँ कि हम नीमच जावद मनाथा तीनों ही सीट हम यहाँ से जीत के जाएंगे। आपका नाम? अनिल चौरसिया, जिलाध्यक्ष कांग्रेस। जे आए हैं इससे आप कितना सहमत हैं, और क्या परसों 4 तारीख को गणना के दौरान इसी प्रकार के नतीजे आने वाले हैं? एग्जिट पोल जनता के बीच में जो हमारे मीडिया के बंधु जाते हैं उनके माध्यम से निकाला जाता है, और एग्जिट पोल लगभग चुनावों में हमने देखा है विधानसभा लोकसभा में लगभग 99% हूबहू आता है, और एग्जिट पोल में जो नतीजे आ रहे हैं उसमें पुनः तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनते हुए बता रहे हैं, लगभग 375 से लेकर 400 तक की सीटें आने का अनुमान है, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो हमारा गठबंधन है उस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी से समर्थित सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। निश्चित ही यह एक ऐसा परिणाम है जो जनता ने जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया था राष्ट्रीय परिषद में, उसी दिन से लगने लग गया था कि मोदी जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है जनता, और हम देख रहे हैं हमारे मालवा मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें लगभग आने के लिए एग्जैक्ट पोल बता रहा है, और निश्चित ही एग्जैक्ट पोल जो मध्य प्रदेश में बता रहा है उस पर हम खड़े उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मोदी जी वापस देश में प्रधानमंत्री बनेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि यदि कोई जीता, जो नरेंद्र मोदी जी के नाम से लोग जब से उनका नाम डिक्लेयर हुआ है तब से जनता ने रिजल्ट घोषित कर दिए थे, और वो परिणाम अभी 4 तारीख को आएंगे, भारत नरेंद्र मोदी जी वापस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हमने देखा सारे लोगों ने मिलकर एनडीए गठबंधन मनाया था, उसमें आप पार्टी हो, राहुल जी हो या अन्य लोगों घटक दल के लोग हों, उन्होंने मिलकर एक ही काम किया है कि मोदी जी कैसे नहीं आए, इसके लिए प्रयत्न किया है, और जनता ने यह मन बना लिया था कि मोदी जी वापस आए तो उसका परिणाम हमें देखने को मिलेगा। 4 तारीख को हम जब देखेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, नरेंद्र मोदी जी वापस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और परिणाम जनता ने पहले ही दे दिया है। आज हम देख रहे हैं कि उत्साह और उमंग का एक वातावरण है दक्षिण में, जहाँ हम केवल हिंदी भाषी प्रदेशों को सरकार भाजपा के समर्थित सरकार बताते थे, अन्य प्रांतों में भी, दक्षिण के प्रांतों में भी कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। बधाई शुभकामनाएं। कार्यकर्ताओं की मेहनत को लेकर के क्या बोलना चाहिए? कार्यकर्ता है प्रधान पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और देश का नेतृत्व जनता की, जनता नेता को चुनती है, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा बन जाती है, और हमारा राजा पारदर्शी है, जो कहता है वो करता है, यदि मोदी जी ने किसी चीज़ की गारंटी दी है तो वो पूरी होती है, इसलिए उस गारंटी के लिए हमारा कार्यकर्ता मनोयोग से जुड़ा है, और उसी के परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक देवदुर्लभ कार्यकर्ता है, वो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, इसी वजह से कमल खिलता है।